तो अभी मैं जाऊंगी शावर लेने, और रिलोकेशन के बाद ना सच बोलूं तो शावर लेने का मेरे लिए मतलब है बस झटपट से बाथरूम जाओ, पानी डालो अपने ऊपर और बस चले आओ, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद सारे चीजें, या फिर मासी नहीं है, सारे चीजें, इवन एक कागज भी पड़ा हुआ है ना, तो उसे भी उठाने के लिए मतलब मुझे ही जाना पड़ेगा। मिथुन और आर्यन अपने अपने काम में बिजी रहते हैं, पढ़ाई में बिजी रहते हैं, मैं उनको हर एक चीज के लिए परेशान नहीं कर सकती, तो ऐसा हो गया। बस अपने फेस का ही ख्याल रख पा रही हूँ, और बिल्कुल मतलब बाकी के जो हिस्सा है वो भी मेरा ही बॉडी है, उसका ख्याल नहीं रख पा रही। तो इसके कारण क्या होता है, जब भी मैं फोटो खींचती हूँ ना तो मेरा फेस लगता है चलो ठीक ठाक, पर बाकी जो एक्सपोज्ड एरिया है ये बिल्कुल डल लगता है, और वो भी अच्छा नहीं लगता ना। तो नहाना मतलब सिर्फ पानी डालना ही नहीं होता, तो उसके साथ साथ आपको स्क्रबिंग भी करना पड़ता है, देन बॉडी वॉश, ये सारी चीजें यूज करना बहुत जरूरी है एक अच्छा सा बॉडी स्किन बनाने के लिए। सिर्फ फेस का स्किन अच्छा हो इससे नहीं चलेगा। और मैंने अपने ब्यूटी टिप्स चैनल में भी एक बार बोला है कि बॉडी स्क्रबिंग के लिए कॉफी इज द बेस्ट इंग्रेडिएंट्स, तो कॉफी स्क्रब जो है ना वो सबसे बेस्ट होता है एक्सफोलिएशन के लिए। तो यहाँ पे तो मैं एम कैफिन का बॉडी स्क्रब यूज करती हूँ, जो कि उस दिन एक वीडियो में भी आपको बोला था ब्यूटी टिप्स चैनल में कि एम कैफिन का जो बॉडी स्क्रब होता है ना वो बिल्कुल मतलब कॉफी के जो ग्रैनुलर्स होते हैं ना वो भी आपको दिख जाएगा, और अगर आप चाहें तो DIY भी यूज कर सकते हैं। पर मेरे लाइफ में ना मतलब मैं क्या बोलूँ, प्रोडक्ट्स भी यूज करने का टाइम इतना नहीं मिल रहा था, तो DIY तो दूर की बात है। अदरवाइज कॉफी के साथ आप DIY भी कर सकते हैं, पर एवरीडे उसे बनाना पड़ेगा, एवरीडे उसे यूज करना पड़ेगा। तो ये जो एम कैफिन का बॉडी स्क्रब है ये जस्ट ऑसम है, बिल्कुल DIY के ऑल्टरनेटिव आप बोल सकते हैं। पहले मैं कॉफी बॉडी स्क्रब विद कोकोनट से अपने बॉडी को स्क्रब करूंगी। ये बनाया गया है प्योर अरेबिका कॉफी से, और साथ में है कोकोनट ऑयल। ये आपकी स्किन को डीपली एक्सफोलिएट करता है, एंड टैन रिमूवल में भी ये काफी हेल्प करता है। ये आपको देता है एक पॉलिश्ड स्किन, इसके साथ साथ ये सेलुलाइट रिड्यूस और डेड सेल्स को भी अच्छे से रिमूव कर लेता है। और हाँ, और एक चीज, जिनका इनग्रोन हेयर है यानी कि स्ट्रॉबेरी लेग, उनके लिए ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। और इसमें है कोकोनट ऑयल जो कि आपके स्किन को मॉइस्चराइज्ड एंड नरिश करने में हेल्प करता है। फिर कॉफी बॉडी वॉश विद विटामिन ई से बॉडी वॉश करूंगी। ये मेरे स्किन को डीप क्लीन करता है, और विटामिन ई के कारण ये मेरे स्किन को हाइड्रेट भी करता है। इस डुओ को आप वीकली दो बार यूज कर सकते हैं बेस्ट रिजल्ट्स के लिए। और एम कैफिन के बारे में बताओ तो ये ब्रांड SLS फ्री है, 100% नेचुरल, पेटा सर्टिफाइड और वेगन प्रोडक्ट्स बनाते हैं। एंड इनके प्रोडक्ट है जीरो प्लास्टिक फुटप्रिंट एंड मेड सेफ विथ नो नेस्टिस, एंड साथ ही साथ में ये स्किन फ्रेंडली pH बैलेंस को भी मेंटेन करता है। और ये बॉडी वॉश भी आता है एक सुंदर नेचुरल बायोडिग्रेडेबल कॉफी कप में, जो कि इन्फ्यूज्ड है रियल कॉफी ग्राउंड से, और इसे यूज करने के बाद ना इमिडिएटली रिजल्ट विजिबल होता है। और मैं इसका बिफोर और आफ्टर जो इमेज है वो वीडियो में डाल दूंगी ताकि आप इसे बेटर समझ पाए। और ये बोथ प्रोडक्ट्स के फ्रैग्रेंस तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगी, पर इसका फ्रैग्रेंस अमेजिंग है गाइस, और कैफीन होने के कारण आपके मूड भी इमिडिएटली एनर्जेटिक होता है। सो गाइस, मेरे लिए तो ये सबसे बेस्ट कॉफी स्क्रब है। ये एक्चुअली स्किन को इतना डीपली एक्सफोलिएट करता है, और सन टैन को भी रिमूव करने में बहुत हेल्प करता है, डेड सेल्स को रिमूव करता है, डीपली क्लींस, तो ये सबसे मतलब बेस्ट है। मैं हमेशा मैं आपको बोलती हूँ कि कॉफी स्क्रब इज द बेस्ट एक्सफोलिएटर। सो गाइस, ये जो सारे प्रोडक्ट्स है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो उनके साइट में यानी कि एम कैफिन के साइट में अगर आप जाएंगे ना तो ये सारे प्रोडक्ट्स के बारे में और भी बेटर आपको जानकारी मिलेगा। तो उनके वेबसाइट में जाके अगर आप showmali15 जो कोड है इसे यूज करके कुछ परचेस करते हो ना, तो ये सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको मिल जाएगा 15% ऑफ। आज का दिन बहुत ज्यादा स्पेशल है, और स्पेशल इसलिए है क्योंकि जो चीज मेरा टूट गया था आपके साथ रोते हुए मैंने कॉम्प्लेन की थी, पता है मेरा एक चीज टूट गया है, मेरा बहुत ही प्यारा चीज, वो आज ठीक करने आए हैं। आई होप कि वो ठीक हो जाएगा। All your love, oh, cause I want you. No one else makes me feel this way. Don't know what you do. Hold my hand, could you hold my hand? Look me in the eyes. You and me. तो चलिए
भी काफी टाइम भी हो चुका है और दुख की बात है कि उसका एक सर्किट खराब हो चुका है, मतलब सेटवेट तो सब कुछ हो चुका है पर इंटरनली एक डैमेज हुआ है, तो उसके कारण उसने फिर से कॉम्प्लेन ले लिया है, वो लगा के फिर आके ठीक करके देंगे। तो अभी थोड़ा सा मेकअप रिमूव कर लेते हैं क्योंकि मुझे एक वीडियो का शूट करना था, एक ब्रांडेड शूट था, तो इसके लिए ये सब करना पड़ा। Yeah, that's all I need, and I'll be alright. I'll be right here. I swear that I'll stay here with you. तो चलिए अभी थोड़ा आम खाया जाए। तो ये मैंगो 3 दिन पहले लाया था मिथुन, तो अभी तक इसे कट नहीं किया। ये सारी सब्जियां कल मैं लाई थी पर इसे भी मैंने ठीक ठाक से क्लीन करके इसे कट करके जैसे रखती हूँ और नहीं हुआ, क्योंकि कल हम आए थे भी काफी लेट सारे बजर बजर करके, उसके बाद डिनर बनानी थी तो ये सब करते हुए और नहीं हुआ, तो ये आज मैं करूंगी। फिर जब हम गए तो पूछा की आम कैसा था, बेकार था, 500 रुपया किलो ले रहा है, कार आम ले रहा है, दादा तुम यहाँ लेके जाओ, फ्री में लेके जाओ, बाद में बोला। उसके बाद जाके आप जब बोलेंगे की ये बहुत मीठा था, बोले पैसा दे दो, आज डिनर के लिए मैंने कुछ सोचा है, तो अभी ये मैं आर्यन को ऑफर करूंगी। आर्यन, मैंने आज डिनर के लिए कुछ सोचा है, आज डैडा डिनर नहीं करने वाले तो इसलिए ज्यादा कुछ बनाऊंगी नहीं। मैगी चलेगा? यस। बहुत दिनों से मैगी भी नहीं खाई और आज सोच रही हूँ कि थोड़ा सा मसाले वाला मैगी बनाते हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा गार्लिक और अनियन, ग्रीन चिली और एक थोड़ा सा उसमें मिक्स करके अच्छे से बनाऊंगी। पर आर्यन को बस सिर्फ सिंपल सा मैगी पसंद है, ये सब करती है ज्यादा टाइम लग जाएगा। और लौकी इतना ज्यादा मैं क्यों लाई, क्योंकि ऑस्कर को लौकी, पम्पकिन, गाजर ये 3 सब्जी खाने के लिए बोला है, तो ये अभी कट करके मैं रखूंगी ताकि फटाफट से एवरी डे खाना बनाने के टाइम में उसके खाने में ये मैं ऐड कर सकूं। Giving me your love, giving me your love. All that we have is each other now. Promise you won't leave my side. I hope who I am is enough for you. If I'm giving you my love, giving you my love. खराब हो जाए जाबी। तो इलेक्ट्रिसिटी का भी अभी अर्थिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब क्या क्या बोलू, और इतने दिन अगर आप नहीं रहते अपने घर में तो क्या क्या प्रॉब्लम होता है, इसका कुछ ठीक नहीं है। अर्थिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, लैपटॉप पे जब काम करती हूँ ना तो काम करती है झंझनाट महसूस होता है यहाँ पे, उसके बाद मिथुन भी वही फील किया, कोई भी अगर चीज टच करूँ तो कुछ कुछ चीजों में ऐसे झंझनाट फील होता है, तो उसके बाद मिथुन ने बोला जरूर अर्थिंग का प्रॉब्लम हो रहा है। ये जो आज नहीं और अभी बिल्ट इन ओवन का कोई सर्किट खराब है या अर्थिंग के प्रॉब्लम के लिए ये नहीं चल रहा है, जब भी इसे चला रही हूँ ना इसका स्विच ऑन करूँ तो पूरा ट्रिप कर रहा है, तो अभी प्रॉब्लम क्या है ये भी देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे चल रहा है ऑस्कर का राइस और यहाँ पे हो रहा है मेरा मैगी, और आर्यन तो बिल्कुल सिंपल खाता है पर आप देखो मैं क्या क्या खाती हूँ। मुझे मैगी ना कभी भी ऐसे सिंपल अच्छा नहीं लगता, इसमें मैंने कुछ स्वीट कॉर्न दिए हैं, ग्रीन पीस, उसके साथ एक कप भुर्जी, और इसके साथ यहाँ पे है 2 टाइप के चिली, अनियन और कैरेट। ये सारी चीजें खाना चाहिए आर्यन को, पर आर्यन को ये सब चीजें नहीं चलेगा। Everything's alright. और ये इतना भारी है, इससे इसमें अगर कोई खाना बनाओ उसे दूसरे इट में डालना मतलब एक चैलेंज है। थोड़ा सा ऐसे सूपी टाइप ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैगी एक्चुअली बहुत टाइप के होता है, ऐसे सूपी भी होता है और बहुत ही ड्राई ड्राई मतलब एकदम मसालेदार भी होता है। एक्चुअली पूरे मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा आपको खाना है, जैसे कि अभी अगर सपोज बारिश का टाइम होता तो अभी मैं बिल्कुल ड्राई ड्राई एकदम मसाला इसके साथ बिल्कुल लगा हुआ रहता उस टाइम खाती, पर आज मेरा मन है ऐसे मैगी खाने का। ओके, तो
तो ये है हमारा टेस्टी टेस्टी मैगी। पर उसके साथ और एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगी। हमारे घर में एक इंसान है, वो हमेशा बोलते हैं आज मैं लंच नहीं करूंगा तो कल मैं डिनर नहीं करूंगा। पर जब हम खाने बैठते ना, जस्ट उसके कुछ सेकंड्स पहले, अच्छा खा रहे हो ठीक है तो चलो मेरे लिए भी थोड़ा सा बना दो, तो उनके लिए भी थोड़ा सा बना दिया। चलिए डिनर करते हुए फर्स्ट एंड फ्यूरियस 7 देखते हैं। ऑलरेडी दो बार देख चुकी हूँ, उसके बाद भी और एक बार देखते हैं। फिर आपसे मिलते हैं कल मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग। आज है नेक्स्ट डे। कल मैगी खाने के बाद ना पूरा मूवी देखा और उसके बाद मन नहीं किया कि मैं इस वीडियो को और कंटिन्यू करूं। बिकॉज कभी कभी होता है ना कि रात के टाइम में अब थक जाते हो पूरे दिन कामकाज करके, तो ना सुबह से फिर से फ्रेशली शुरू किया जाए। तो अभी हम चाय पियेंगे, चाय ऑलरेडी बन चुका है। मैं उस रूम में चाय रख के मैं आपके साथ बात करने यहाँ पे आई हूँ बिकॉज आर्यन अभी ऑनलाइन क्लास कर रहा है, नेट उसके रूम तक नहीं पहुंच रहा है, इसलिए वो लिविंग पे बैठ के अपना ऑनलाइन क्लास कर रहा है अपने टीचर से। कोलकाता में जो टीचर उसे पढ़ाते थे ना पूरा साइंस ग्रुप, तो वही टीचर रखा है, बहुत अच्छा टीचर है हिंदी के लिए। यहाँ पे सोसाइटी में ही एक टीचर हमने रखा है और साइंस ग्रुप वहाँ भी करते हैं। तो मिथुन ओके, चाय ठंडा हो गया। तो अभी बात ये उठता है कि आज कौन सा फिश बना है। एक्चुअली मिथुन और आर्यन ऐसे कुछ फिशेस खाते हैं जो कि मुझे पसंद नहीं है, जैसे कि सियर्स। मैं बनाई तो थोड़ा सा खा लिया था पर मुझे इतना पसंद नहीं है। ये रहा ऑस्कर का। मिथुन आज प्रॉन बना है, खाओगे? देखते हैं क्या बनाते हैं। जब फ्रिज में कुछ ना रहे तो सोचती हूँ कि क्या बनाऊ क्या बनाऊ, जब बहुत ज्यादा कुछ रहता है तब भी मैं सोचती हूँ कि क्या बनाऊ क्या बनाऊ। यहाँ पे हवा कितना अच्छा चलता है ना, और ये हवा की वजह से ना जो भी बात करती हूँ यहाँ पे ग्र ग्र ऐसा एक साउंड आता है, मुझे पता है पर क्या करूँ, कभी कभी यहाँ पे आके भी बात करना बहुत अच्छा लगता है। और बाय द वे आपको और एक चीज बतानी थी, बहुत सारे सवाल आए थे जब मैं कोलकाता से यहाँ पे आई थी उस टाइम में। मैं कभी कोलकाता फिर से लौटूंगी कि नहीं, शायद कभी कोलकाता और नहीं लौटूंगी, पर कोलकाता में हमारा एक प्रॉपर्टी हम जरूर खरीदेंगे, रखेंगे, कभी कभार छुट्टी मनाने जाएंगे, कभी कभार अगर एज होने के बाद क्या करेंगे पता नहीं, पर अभी जबकि नहीं जा रहे तो मुझे नहीं लगता कि जिंदगी में कभी भी हम फिर कोलकाता में परमानेंटली शिफ्ट होंगे। और एक चीज मैं आपको बताऊं, जब हम बैंगलोर में आए थे ना उस टाइम से ही बैंगलोर को मैं इतना प्यार करती थी, हमारे दिल में इतना बैंगलोर के लिए प्यार और इंटरेस्ट था, ऐसा नहीं है। मिथुन जिस कंपनी में जॉब करते थे कोलकाता में, सेम कंपनी का मतलब इंटरनल ट्रांसफर होकर यहाँ पे आए थे प्रमोशन लेके, तो प्रमोशन के लिए भी कुछ इंटरव्यू देना पड़ता था। तो बैंगलोर में आके जिनके अंदर ज्वाइन किया था मिथुन, तो उन्होंने इंटरव्यू ली थी मिथुन का। तमिलियन है वो सर, मिस्टर रंजीत राम सर, बहुत अच्छे इंसान है। उन्होंने इंटरव्यू ली थी, मिथुन ने इंटरव्यू क्रैक कर दिया। पर सैलरी के बारे में जब बात की ना, तो उनका तमिलियन इंग्लिश का एक एक्सेंट अलग होता है, और तब मिथुन को साउथ इंडियन का जो इंग्लिश के एक्सेंट है, जैसे कि एच को हम एच बोलते हैं ना बंगाली लोग, वो लोग हेच बोलते हैं, तो इस तरह से कुछ अमाउंट के इधर उधर हो गया। उन्होंने सही बोला पर मिथुन ने सुना गलत, तो उस हिसाब से हमें लगा हाँ ठीक ठाक इंक्रीमेंट भी होगा, तो वहाँ पे जाके फैमिली हम सेट कर पाएंगे, मतलब हम सब जाके रह पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वहाँ का जो लिविंग कॉस्ट है तो वो भी आराम से हैंडल कर पाएंगे। पर यहाँ पे जब भी बैंगलोर के मिट्टी में पैर रखा, तो उसके बाद जब ऑफिस गए तो जाके सुन रहे हैं, जब फॉर्म फिलअप कर रहे तब जाके सुन रहे हैं कि अमाउंट ये है जो कि उनका पैकेज है। उसी टाइम में किसी और से बात किए बिना सबसे पहले मुझे फ़ोन किया कि तुम लोगों का शायद यहाँ पे आना नहीं होगा, क्योंकि इतने से सैलरी में मैं यहाँ पे एक घर रेंट पे लेके, आर्यन अभी बड़ा हो रहा है मैं कैसे चलाऊँ, मैं कोलकाता में रो रही हूँ। मिथुन बिल्कुल डाउन हो गए उनके अमाउंट देख के। फिर उनका जो इमीडिएट मैनेजर थे रंजीत राम सर, उनके साथ बात की मिथुन ने, सर बोले कि मैंने तो यही बोला था, तो बोला सर शायद मैंने गलत सुना था, क्योंकि इस सैलरी में अगर होता तो मैं शायद बैंगलोर कभी नहीं जाती, क्योंकि नेक्स्ट ईयर शायद कोलकाता में अगर रहते तब भी शायद वही इंक्रीमेंट होता। फिर वो सर इतने अच्छे इंसान थे, इतने अच्छे इंसान कि बोल रहे हैं कि देखो पेन एंड पेपर में जो सैलरी है उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता, जब इंक्रीमेंट होगा तब मैं कुछ कर सकता हूँ, पर अभी जो हम कर सकते हैं तुम्हें बिजनेस ट्रिप पे हम भेज सकते हैं। बहुत सारे बिजनेस ट्रिप दिया था मिथुन को, जिसके कारण मिथुन कुछ पैसे बचा पाए हर महीने, और उससे हम यहाँ पे आ पाए। एक छोटा मोटा रेंट के हाउस में थे, मतलब जहाँ से मैंने ये व्लॉग शुरू किया था ना वो हमारा सेकेंड हाउस था,
और उससे पहले जहाँ पे हम रहते थे वो बहुत ही नॉर्मल, मतलब ऐसे हाउस में हम मायके, मेरे ससुराल उससे कई गुना बेटर है उस हाउस में हम थे बैंगलोर आने के बाद। तो ये चीज शायद आपके साथ कभी शेयर नहीं की थी, पर ये भी हमारी जिंदगी का, मतलब बैंगलोर जब पहली बार आए थे ना तो ये हमारा बैंगलोर के ऊपर एक एक्सपीरियंस था। उसके बाद वो सर भी अपना कंपनी छोड़ विप्रो ज्वाइन किया, और मिथुन ने भी छोड़ दिया, मिथुन भी वो कंपनी छोड़ के वोडाफोन ज्वाइन किया था। 3-4 साल वहाँ पे रहे थे, 3-4 साल बाद उन्होंने भी चेंज किया, मिथुन भी चेंज किया। तो ये था फर्स्ट, बोलते ना कि फर्स्ट एक्सपीरियंस एक जगह के लिए, एक फर्स्ट सोच, तो बैंगलोर के लिए हमारा वही था कि अरे यार इतना खुश होके चलो कहीं और जाके रहेंगे, कहीं और जगह शहर को देखने को मिलेगा, वहाँ का रहन सहन ये सब। तो यहाँ पे आने के बाद वो सारे कुछ भी नहीं था। फिर धीरे धीरे मिथुन जो भी कंपनी ज्वाइन किए वहाँ पे सारे मैनेजर्स जो थे ये इतने अच्छे थे, इतना अच्छा मिला था मिथुन को कि यहाँ सिर्फ बैंगलोर नहीं, बैंगलोर के लोगों के बारे में ही, मतलब कर्नाटका के लोगों के बारे में ही हमारा सोच बिल्कुल बदल गया। तो ये भी एक कारण है कि सिर्फ इस सिटी को ही हम प्यार नहीं करते, या कि लोगों को भी बहुत प्यार करते। अभी तक के बैंगलोर ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, बहुत कुछ पाए यहाँ से हम, यही वो रीज़न है जिसके लिए बहुत शांति मिलती है यहाँ पे। और दूसरी शांति ये है कि हम अपने घर में रहते हैं, कहीं पर अगर आपका खुद का घर हो ना, वो भी अपने मेहनत से कमाए हुए, तो उसका शांति कुछ अलग होता है। सो गाइस, इस वीडियो को मैं यहीं पे अभी एंड कर रही हूँ, पर उससे पहले एक चीज मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी, प्लीज चेक आउट एम कैफे प्रोडक्ट ऑन देयर वेबसाइट एंड डोंट फॉरगेट टू यूज माय कूपन कोड शोमाली15 ऑन एम कैफे वेबसाइट फॉर एक्सक्लूसिव डिस्काउंट। आई एम श्योर यू विल लव इट। तो ट्राई करो, और ट्राई करके कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, तो फिर आपसे मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ। तो अभी के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। I think I like it how it is.